बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर एक बार फिर हमला बोला। देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी से तीखे सवाल किए। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी अपने 3 साल के कामकाज का हिसाब देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले राहुल गांधी अपनी 3 पीढ़ियों का हिसाब दें। शाह ने कहा कि पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी ने बतौर पीएम देश में शासन किया, जबकि सोनिया गांधी ने पर्दे के पीछे रहते हुए मनमोहन सरकार के दौरान शासन किया। लिहाजा राहुल गांधी को अपनी 3 पीढ़ियों का हिसाब देना चाहिए। इस दौरान अमित शाह ने मोदी सरकार की कई कामयाबियां गिनाई। अभी राहुल बाबा विदेश अमेरिका गए हैं और वहां से पूछते हैं कि क्या विकास हुआ है, नरेंद्र मोदी सरकार हिसाब दे। राहुल बाबा, मैं तो अभी विकास का हिसाब दे दूंगा, देवभूमि के मेरे कार्यकर्ताओं के सामने दे दूंगा, मगर 125 करोड़ की जनता, आप हमारा 3 साल का हिसाब मांग रहे हो।